हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द स्पॉइलर अलर्ट। सो गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता का अभी ट्रैक ना बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जहाँ हम लोग को ना अपकमिंग एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अबीरा कोर्ट में ये बोल देती है अरमान के रिलेटेड जज के सामने कि अरमान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की थी। ये बात सुन के अरमान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अबीरा से सवाल पूछता है कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे बदनाम क्यों किया सबके सामने, तुम्हारे पास कोई जवाब है तो मुझे बताओ। और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें अबीरा ने क्यों किया? क्योंकि दादी सा उन दोनों का डिवोर्स करवाना चाहती है और यहाँ पे उसने एक शर्त रखा कि अगर तुम चाहती हो कि विद्या और माधव का रिश्ता बच जाए तो तुम्हें ये झूठ बोलना होगा। इसलिए बेचारी अबीरा ने ये सारी झूठ बोली और इसीलिए जब अरमान ने सवाल किया तो वो चुप थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो सारा चीज़ हो जाएगा विद्या के लिए और माधव के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, और वो ये चीज़ चाहती नहीं है। एंड देन उसके बाद उसे पता चल जाता है कि रूही और साथ ही साथ अरमान का कोई रिलेशन था और उसको अपने आप को ना मतलब चीटेड समझ रही है और बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ। बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बुरा फील कर रही थी और वो अरमान से जाके पूछती है तो अरमान उसे भी जवाब में कुछ नहीं बोलता, जैसे उसने कोई जवाब नहीं दिया था अरमान को। सो अभी एक ही चीज़ हो रहा है कि क्या आपको लगता है कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा? रूही तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि भाई जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए ताकि अरमान और उसका एक नैया पार हो। तो भाई इनका नैया पार होगा कि नहीं वो तो नहीं पता, बट हाँ इन दोनों के बीच अगर कोई केमिस्ट्री नज़र आ गई जैसे कि अबीरा और अरमान का, तो यहाँ अपरम पार हो जाएगा हम फैंस का। क्योंकि ना मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आपको कितना हद तक है मुझे कमेंट डाउन करके अपनी राय को ज़रूर शेयर करें और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।